हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आज मैं लेके आई हूँ शॉप से की कुछ ज्वेलरीज। तो मैंने रिसेंटली भी ऑर्डर किया था, जैसे हम लोग को कभी सूट वगैरह पहनना पड़ता है या कोई वीडियो क्रिएट मतलब कुछ यूनिक क्रिएट करना होता है, तो उसके हिसाब से मैंने मंगवाया है। एक तो मेरा पूरा ज्वेलरी का मतलब 4-in-1 का सेट है और एक सेपरेट है, दोनों एक ही साथ मंगाए थे मैंने। ये रहे मेरे ऑर्डर्स, सबसे पहले ये आया था, फिर ये आज आया है। सो ये रहा मेरा जो सेपरेट सिंगल ऑर्डर आया है वो, और इसमें मेरा सेट आया है। ये 4-in-1 सेट है और ये सिंगल है। तो सबसे पहले ये है गोल्ड प्लेटेड डबल लेयर चेन है, और ये मैंने सोचा था कुछ लुक क्रिएट करेंगे, कुछ ऐसे रील्स बनाएंगे या वीडियो बनाएंगे तो उसके साथ ही अच्छा लगेगा। आजकल वो मैं एक इंस्टा पे, वो कौन है इंस्टाग्राम पे, वो एक एनेस्थीजिया शानबेल करके कुछ नाम है उसका, सॉरी इफ आई मिस प्रोनाउंस। तो वो लड़की वो बहुत अच्छा रील्स वगैरह क्रिएट करती है, बहुत अच्छा लुक क्रिएट करती है। तो वो एनेस्थीजिया नाम की दो लड़कियाँ हैं, तो वो दोनों लड़कियाँ बहुत ही अच्छी वीडियो क्रिएट करती है। तो इस हिसाब उनके लुक के हिसाब से मैंने ये मंगाया था कि मैं वैसा कुछ क्रिएट करूँगी। सो ये पड़ा था मेरे को 201 रुपीज़ का, और दोनों एक साथ मिला के ज़्यादा कॉस्टली नहीं थे, अभी ऐसे ध्यान नहीं है, मैं आपको मेंशन कर दूँगी। सो ये रहा प्यारा सा बॉक्स, बहुत प्यारा है। वेम्बली ये कंपनी का नाम है, वेम्बली। ग्रीटिंग्स एंड अ वॉर्म वेलकम टू द वेम्बली कम्युनिटी। तो ये इनका बॉक्स है, पैकेजिंग है, ओपन करते हैं। इन्हें आप इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, यहाँ पे इंस्टाग्राम लिखा है और इनकी वेबसाइट भी डली है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। सो ये रही मेरी वो चेन, अच्छी पैकेजिंग है, बबल रैप में पैक है, आजकल तो बबल रैप ख़त्म हो गए हैं, ठीक है, कुछ कुछ चीज़ें आ जाती हैं। चमक तो रहा है, पता नहीं कितना चलेगा। बस वही आपको ऐसी ज्वेलरीज जो होती हैं ये आपको पानी से बचा के रखनी, पानी और स्वेट से बचा के रखना है, बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है। सो गाइज, अगर आपको इससे रिलेटेड लुक चाहिए, इस चेन से रिलेटेड, तो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो, मैं फिर यूट्यूब में भी शेयर करूँगी उसका लुक क्रिएट करके। ये थोड़ा मतलब हैवी मटेरियल नहीं है, ये थोड़ा जैसे प्लास्टिक का होता है ना, प्लास्टिक की चेन्स वगैरह, ये उस टाइप का लग रहा है मुझे, उसी टाइप का है। ये चेन निकल गई, क्या है, ये चेन ऑलरेडी निकल चुकी है, इसे जोड़ना पड़े, हाँ टूट गई है, जोड़ना पड़ेगा इसको, मैं जोड़ के मिलती हूँ। सो ये जुड़ गया, चलिए हम इसे ट्राई करके देखते हैं। ये एक्चुअली डबल लेयर चेन है और इसमें एक छोटा सा स्नेक पेंडेंट है, थोड़ा क्लियोपैट्रा या फिर मतलब एंशिएंट लुक देने के लिए। चेन थोड़ी सी ऊपर नीचे हो रही है, एक सेकेंड मेरे को इसका लुक देखना पड़ेगा। चेन छोटी है, ये बड़ा है, ओके। सही नहीं लग रहा है, ये चेन ऊपर नीचे हो रही है इसकी। सो ओवरऑल ये कुछ इस टाइप का लुक क्रिएट करेगा, या आप जैसे बटन्स वाली शर्ट होती है उन्हें ओपन करके आप पहन सकते हो, आगे के वी नेक टाइप के टॉप में पहन सकते हो, या फिर ऑफ शोल्डर टॉप में डाल सकते हो। लुक अच्छा लग रहा है, बैड गर्ल्स वाला लुक आ रहा है, लेकिन इसकी चेन दिक्कत दे रही है, इसकी चेन पहले ठीक करनी पड़ेगी, वो मैं बाद में ठीक करके आपको दूसरी वीडियोज़ में दिखा दूँगी। तो ये ऐसा लुक देगा, अच्छा लग रहा है देखने में। सो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे सेकेंड बॉक्स के साथ, सेकेंड ज्वेलरी के साथ। ये है ज्वेलरी का सेट, चलिए इसे ओपन करके देखते हैं। ये अलॉय ज्वेलरी का सेट है और 4-in-1 है, ऑलरेडी बता दिया था। ये 308 का था लेकिन 10 रुपये लेके गए वो डिलीवरी में, ऐसे ही वो 201 का था लेकिन 205 लेके गए, ठीक है चलते हैं। चलिए, सो ये रहा हमारा बॉक्स, इसमें आ गए होंगे 4 सेट, देखते हैं आ गया होगा। ओपन करने के लिए थोड़ा सीजर की कमी पड़ जाती है जब ऐसे जल्दबाजी में अनबॉक्सिंग करती हूँ मैं, लालच में आकर। वैसे मेरी इयररिंग्स कैसे लग रहे हैं गाइस, प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो, अगर अच्छे लग रहे हैं, मैच कर रहे हैं मेरे। सो पहला जो हमारा सेट है वो है ये, इसमें आपको एक चोकर मिलेगा और दो इयररिंग्स मिलेंगे,
एक एक ओपन करके दिखाती हूँ मैं आपको। ज़्यादा हैवी नहीं है बट ठीक है, काम चला था। इसका एक गायब है, अब मुझे कोई वो ढूंढना पड़ेगा इसको फिक्स करने के लिए। अभी लोकल चीज़ें नहीं मंगानी चाहिए। सो ये तो रहे इयर रिंग्स, चलिए चोकर ट्राई करके देखते हैं। ज़्यादा हैवी नहीं है, ये आप नॉर्मल सूट वगैरह के साथ वेयर करोगे, स्पेशली गर्मियों में भी अगर वेयर करोगे तो ठीक है। ज़्यादा हैवी नहीं है तो आपको बेकार भी, अजीब सा गर्मियों में भी नहीं लगेगा। सो ये ऐसा लग देगा, अभी टॉप के साथ इतना अच्छा नहीं लग रहा बट अच्छा लग रहा है, ठीक है। ये था हमारा पहला, क्वालिटी वाइज तो ऐवे ही लग रहा है बट ठीक है, हमें वीडियोज़ के लिए ही तो चाहिए नॉर्मली, और कभी कभार ज़्यादा इतना पहनते नहीं है हम लोग तो उसके लिए ठीक है। सेकेंड है ये वाला सेट, इसमें है मांगटीका और दो इयर रिंग्स, बड़े बड़े झुमके हैं ये, ऐसे वाले झुमके पसंद है जिनके पीछे वो लगा होता है, या फिर आप नॉर्मल किसी भी इयर रिंग्स के पीछे आप वो लगा सकते हैं कैप, जिससे आपके कान भी दर्द नहीं होंगे। ये रहा इसका मांगटीका, इसकी भी क्वालिटी ठीक है, ओके ओके है, बेकार सी है, मतलब नॉर्मल है, ज़्यादा हैवी टाइप की नहीं है, कभी भी आप पहन सकते हो, प्यारा लग रहा है। और ये इसके झुमके, झुमके अच्छे लग रहे हैं बट मेरे को लगा था थोड़ा तो हैवी होगा एटलीस्ट, लेकिन ठीक है चलो, लेकिन बहुत हल्का है, तो ये ऐसे लगेंगे पहनने पर। इन सब का मैं आपको लुक क्रिएट करके शॉर्ट्स में या फिर दूसरे वीडियो में दिखा दूँगी, या फिर अभी बहुत सारे फेस्टिवल्स वगैरह आने वाले तब पहन के दिखा दूँगी। ये था सेकेंड सेट, तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे थर्ड सेट के साथ। अच्छा ये वो है, इसको बोलते क्या है वो नहीं पता बट ये वो ये है इयर रिंग और सर पे लगाने वाली पट्टी मतलब इसको आप पहनेंगे, ये ज़्यादा लॉन्ग नहीं लग रहा है, शॉर्ट है ये, बहुत गलत बात है, अरे हो जा, कहाँ फंस गया, ठीक है ये इसको ऐसे पहनेंगे। अरे गाइस मैं आपको ये ट्राई करके दिखाती हूँ। अच्छा इसके साथ एक मांगटीका भी है, दो दो मांगटीका हो गए मेरे पास, चलो ठीक है ट्विनिंग करने के काम आएगा। प्राची के साथ या दिव्या के साथ ट्विनिंग कर लूँगी किसी चीज़ में, चलिए ये मैं आपको ट्राई करके दिखाती हूँ, इयर रिंग्स उठाने पड़ेंगे। ओके मुझे कुछ ऐसा मंगाना ही था, वो बात अलग है कि अभी लोकल मंगा लिया है, बाद में अच्छा सा मंगाऊंगी, अगर ये मेरे पे अच्छा लगा सूट किया तो मैं एक अच्छा सा हैवी में मंगवाऊंगी जो लुक वाइज बहुत ज़्यादा अच्छा लगे। गाइस ये ज़्यादा बड़ा नहीं है, मुझे लगा बड़ा होगा, और ये चेन भी यहाँ से खिंच रही है तो ये ऐसे आएगा, सो ये ऐसा लुक देगा, बहुत प्रिटी लुक आ रहा है इसमें। अभी अच्छे से नहीं पहना है, मैं ये आपको अच्छे से पहन के दिखाऊंगी, अभी तो पूरा उलझ चुका है ये। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे फोर्थ सेट के साथ, फोर्थ एंड फाइनल सेट के साथ। सो ये रहा हमारा फोर्थ सेट, ये लोटस वाला है, बिल्कुल आपको लक्ष्मी वाला लुक देगा, लक्ष्मी माता वाला लुक। बट हाँ इसमें मुझे एक ही चीज़ बेकार लगी कि इसमें थ्रेड है, मतलब जितने भी मैंने शॉपसी पे देखे थे उन सब में थ्रेड ही था, बट ठीक है
काम चलाऊ है। ये भी इसकी आवाज से सुन सकते हैं आप लोग कि कितना लाइट है, कितना लाइट है, देखिए कितना पतला सा है। ठीक है, लुक से मतलब है। और हाँ, मैं बताना भूल गई, इसमें ये एक बीड है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस बीड से आप टाइट और लूज कर सकते हैं। सो ये आपको ऐसा लुक देगा। और साथ में इसकी इयररिंग्स हैं ये दो, ये भी दोनों लोटस वाले हैं, दिखाते हैं आपको निकाल के। इसके साथ अगर आप ये ऐसे पेयर करेंगे तो ये सूट करेगा किसी भी आप साड़ी के साथ, जिसमें आप हल्का पल्लू लेते हैं उसमें, या जैसे डीप नेक वाले ब्लाउज में पहन सकते हैं, बहुत अच्छा लगेगा ये। और अदरवाइज आपको अगर इयररिंग्स ही नहीं पहनने हैं तो ये ऐसे भी सूट करेंगे, आप देख सकते हैं। या फिर जैसे आप ऑफ शोल्डर पहन सकते हैं, कोई भी ऐसा टॉप पहन सकते हैं जिसपे, मतलब साड़ी सूट किसी भी टाइप का, जिसमें डीप नेक हो, स्क्वायर नेक हो, या फिर वी नेक हो, उन पे ये सूट करेगा। ठीक है, तो चलिए इसका भी मैं आपको लुक बाद में दिखा दूंगी। इस बीच से आप टाइट और मतलब टाइट करने के बाद एक बार नॉट भी बांध दीजिएगा, जिससे ये लूज हो के पूरा यहाँ तक ना आ जाए, वरना पता चला उछलते कूदते या डांस करते वक्त आपका लूज हो जाए। तो ये थे हमारे आज के प्रोडक्ट्स, इन सब की मैं वीडियोस आपको आगे दूसरे पार्ट में दिखा दूंगी या किसी रील शॉर्ट में दिखा दूंगी। तो गाइज, अगर आपको आज की वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स। ऐसे ही वीडियोज़ हम लाते रहेंगे। और गाइज, ये सब परचेज करने के लिए अपनी फीस में से पैसे देने पड़े थे, मतलब ठीक है, कभी कभार मैं मंगा लेती हूँ ऐसी चीज़ें। तो अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और ऐसे ही मैं और भी ज्वेलरीज वगैरह ऑर्डर शायद करूँगी, अभी नहीं, कुछ टाइम बाद ऑर्डर करूँगी। और हो सकता है मैं अभी कुछ क्लोथिंग ऑर्डर करूँ शॉपसी से, तो पार्ट टू बन जाएगा, पार्ट थ्री बन जाएगा हम लोग का। तो वो भी मैं आपको, उसकी लिंक भी मतलब जो बनेगा तो मैं आपको इसी चैनल पर शो कर दूँगी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बाय, लव यू ऑल।